महिंद्रा एंड महिंद्रा तैयार है अपने साल 2024 के पहले बड़े लॉन्च के लिए XUV 300 फेसलिफ्ट, जिसे पहली बार 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। XUV 300 अब अपनी उम्र दिखाने लगा है और हाल ही में इसने प्रतियोगिता के मुकाबले में कई पहलुओं में कमी दिखाई है। तो चलिए देखते हैं आने वाले महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट के विस्तार में। स्पाई शॉट्स के बारे में, अपडेटेड XUV 300 में बड़ी तरह से बदला गया एक्सटीरियर डिजाइन होगा, जो ब्रांड के आने वाले बी सीरीज के SUV के साथ मेल खाएगा। आने वाले XUV 300 फेसलिफ्ट की फ्रंट फेसिया में एक नए सेट के साथ LED हेडलैम्प्स की उम्मीद है, जिनमें DRL होंगे जो लोअर बम्पर तक एक्सटेंड होंगे और एक मॉडिफाइड ग्रिल होगी। पीछे की तरफ एक बड़ा ओवरहाल की उम्मीद है, जिसमें नए सेट के स्लीक कनेक्टेड LED टेल लैंप, दोबारा डिजाइन किए गए टेलगेट और आउटगोइंग मॉडल से अलग एक नया रियर बम्पर होगा जो रजिस्ट्रेशन प्लेट को घर करेगा। साइड प्रोफाइल और समग्र सिलहूट की उम्मीद है कि वही रहेगी, लेकिन इसमें एक नए सेट के अलॉय व्हील शामिल होंगे। XUV 300 फेसलिफ्ट को फीचर डिपार्टमेंट में बड़ी सुधार की उम्मीद है और इसमें एक नया 10.25 इंच फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, एक फ्री स्टैंडिंग 10.25 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम, महिंद्रा के लेटेस्ट इंटरफेस और एड्रेनॉक्स कनेक्टेड कार तकनीक के साथ एक पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और भी कुछ चीजें शामिल होंगी। ये नए फीचर एडिशन और इंटीरियर लेआउट में बदलाव अपडेटेड XUV 400F प्रो रेंज मॉडल में देखे जाएंगे जैसे होंगे। इंजन की बात करें तो महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट के मौजूदा इंजन विकल्पों के साथ आगे बढ़ेगा, जिसमें 1.5 लीटर टर्बो डीजल, 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर TGDI पेट्रोल यूनिट शामिल होंगे। गियरबॉक्स विकल्प वैसे ही रहेंगे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक 1.2 लीटर TGDI 130 BHP पेट्रोल इंजन को SSA सोर्स किया गया नया 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स मिल सकता है। महिंद्रा XUV 300 फेसलिफ्ट को अगले महीने मार्च 2024 में लॉन्च किया जाएगा, जिसकी कीमत की घोषणा की जाएगी। ये SUV भारतीय बाजार में टाटा नेक्सन, हाल ही में लॉन्च हुई किया सोनेट फेसलिफ्ट, हुंडई वेन्यू और मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ टक्कर देगा।